Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to see the exercise of chapter 1, that is Haldi's Adventure, from class 2, Marigold Book, NCERT syllabus. So let's see the new words, because इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था. नाउ इन दिस वीडियो विल सी फर्स्ट न्यू वर्ड्स और फिर बाकी की एक्सरसाइज हम देखेंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज गिवन GIRAFFE जिराफ. जिराफ क्या है? इट इज़ अ टॉल मैमल, ठीक है, विच इज़ हैविंग अ वेरी लॉन्ग नेक. इसकी कैसी होती है? बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ही लंबी सी नेक होती है, सो उसको हम जिराफ बोलते हैं, जैसा कि आपने इस चैप्टर में देखा है. नेक्स्ट वर्ड इज SURPRISED, सरप्राइज्ड. सरप्राइज मीन्स अमेज्ड. नेक्स्ट इज ADVENTURE, एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स एन एक्साइटिंग एंड डेयरिंग एक्सपीरियंस. ओके, नेक्स्ट इज WONDERFUL, वंडरफुल. वंडरफुल मीन्स एक्सट्रीमली गुड. नेक्स्ट इज PLAYGROUND, प्लेग्राउंड. सो प्लेग्राउंड मीन्स एन आउटडोर एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, जहाँ बच्चे जाके खेलते हैं, राइट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज रीडिंग. इन रीडिंग इज फन. हियर वी आर हैविंग सम क्वेश्चन, सो विल सी द आंसर्स. वेयर वॉज हल्दी गोइंग? हल्दी कहाँ जा रही थी? सो हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल. हल्दी स्कूल जा रही थी, राइट. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. वाई डिड हल्दी स्टेयर एट जिराफ? हल्दी जो थी उसने जिराफ को क्यों घूर के देखा था? तो हल्दी स्टेयर्ड, STARED हो जाएगा. हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ जिराफ लाइक हिम. उसने कभी भी इस तरह से एक जिराफ को नहीं देखा था. हाउ डिड शी रीच स्कूल? और स्कूल किस तरह से पहुंची थी? तो शी रीच स्कूल बाय राइडिंग द बैक ऑफ द जिराफ. वो जिराफ के बैक पे चढ़कर स्कूल पहुंची थी, राइट. नाउ लेट्स टॉक, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप लोग स्कूल कैसे जाते हो? तो आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, और आप इस तरह से लिख सकते हो दैट आई गो टू स्कूल बाय रिक्शा, वैन, और माय फादर ड्रॉप मी, है ना. या वेरियस लाइक जो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप स्कूल जाते हो. कुछ बच्चे तो चल के भी जाते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वेयर टू स्कूल? आप स्कूल क्या पहन के जाते हो? सो आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म. आप क्या पहनते हो? स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हो, राइट. नेक्स्ट यू कैन सी हियर, हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल? टॉक अबाउट इट. क्या आपने स्कूल जाते जाते कभी भी कोई स्ट्रेंज, कोई अजीब सी चीज़ देखी है? सो येस, इट वॉज एन इंसेक्ट. आप इस तरह से लिख सकते हो दैट येस आई हैव सीन समथिंग स्ट्रेंज ऑन माई वे टू स्कूल. इट वॉज एन इंसेक्ट सिमिलर टू कैमिलियन बट बिगर एंड मोर कलरफुल. और या इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर स्ट्रेंज थिंग आपने जिसका सामना किया, राइट. नाउ लेट्स मूव, से अलाउड. यहाँ पर आपको जोर से इसको कुछ स्पेलिंग्स दी है, उसको रीड करना है. PADDLE, पैडल. ओके, SADDLE, सैडल. CRADLE, क्रेडल. ओके, अब ये तीनों जो वर्ड्स हैं, आप साउंड सुनिए, तीनों वर्ड्स के जो साउंड है हमें एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज DOWN, डाउन. CLOWN, क्लाउन. SOUND, साउंड. ROUND, राउंड. नेक्स्ट देख लो, SCHOOL, स्कूल. POOL, पूल. RULE, रूल. COOL, कूल. TOOL, टूल. सो आप इन सभी वर्ड्स में देखो साउंड आपको एक जैसा सुनाई दे रहा होगा, है ना. नाउ लेट्स कलर. आप लोगों को कलर करना बहुत पसंद है ना बेटा, तो यहाँ पे देखिए, लेट्स कलर, फाइंड द शेप्स. तो फर्स्ट इज ट्रायंगल, सेकंड इज सर्कल,
and third are curved lines, कुछ curved lines दिख रही हैं. So what you have to do, you have to color them. Here is a snake, यहाँ पे एक python आपको दिया हुआ है. इस python में बहुत सारे shapes आपको दिए हैं, तो you have to color this shapes. Okay, now let's move. So next you can see here, let's write, यानी लिखने की बारी आ गई है. Fill in the blanks with the words given in the brackets. तो brackets में आपके पास यहाँ पे कुछ words हैं like sail, bark, sink, play and ring. So हमें इसको सही जगह पे लिखना है. Boats, boats क्या करती हैं? Sail, है ना? S-A-I-L, boats, sail. Dogs, bark. Children, play. Bells, ring. Birds, sing. Okay? इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं. Now write the names of the days of the week. You can begin with Sunday. तो आपको यहाँ पे जो वीक में जो दिन आते हैं, जो डेज आते हैं, वो आपको लिखने हैं. लेकिन स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है? संडे से. सो फर्स्ट इज SUNDAY, संडे. नेक्स्ट इज MONDAY, मंडे. नेक्स्ट TUESDAY, ट्यूसडे. नेक्स्ट क्या होगा? WEDNESDAY, वेडनेसडे. नेक्स्ट हो जाएगा थर्सडे, देन फ्राइडे एंड देन सैटरडे. So these are the days of the week. Okay? Now Haldi wrote her name at school in this way. आप देख सकते हो यहाँ पे blue color में है. Haldi ने इस तरह से अपना नाम लिखा था school में. She made one mistake. What was it? तो उसने एक mistake करी है, क्या आप बता सकते हो क्या? So अगर आप देखें तो उसने अपना जो नाम है उसका पहला जो letter है वो small लिखा है. So write like this. H into capital आप लिखोगे, H को capital में लिखना है. HALDI, हल्दी, राइट? तो ये हो गया प्रॉपर. नाउ राइट योर नेम करेक्टली. ये जो नेक्स्ट ब्लैंक है यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है. ओके, नेक्स्ट. हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ. हल्दी ने क्या लिखा था? आई मेट अ जिराफ, यानी मैं एक जिराफ को मिली थी. शी मेड टू मिस्टेक्स. अब उसने इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स करी है, दो गलतियाँ करी हैं. वॉट आर दे, क्या आप बता सकते हो? राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली. तो यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे हल्दी का सेंटेंस आपको एकदम परफेक्टली लिखना है. तो आप कैसे लिखोगे? उसने क्या मिस्टेक करी है? यस, आई जो है उसने स्मॉल लिखा है. सो यू हैव टू मेक इट कैपिटल. आई मेट अ जिराफ. सो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया. अब आपको पता है कि जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होता है हमको एक फुल स्टॉप लगाना है, राइट? तो पुट अ फुल स्टॉप हियर. आई मेट अ जिराफ. ओके, नाउ लेट्स मूव. Is you are having, let's get ready for school. यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी pictures है अगर आप देखो तो. What do you do before going to school? आप जब school जाते हो तो school जाने से पहले क्या करते हो? तो put why for yes and n for no. जो चीज़ आप करते हो उसके लिए आप why लिखोगे और जो चीज़ आप नहीं करते हो उसके लिए आप n लिखोगे, right? तो have a bath, कि आप school जाने से पहले नहाते हो तो yes. तो यहाँ पे हम वाई लिखेंगे. क्लाइंब अ ट्री, क्या आप पेड़ पे चढ़ते हो? नो, तो यहाँ एन आ जाएगा. प्ले इन द पार्क, क्या आप ग्राउंड में या पार्क में खेलते हो? नो. कॉम्ब योर हेयर, क्या आप अपने बालों की कंघी करते हो? तो यस. नेक्स्ट देखें, फीड द बर्ड्स, क्या आप पक्षियों को खाना खिलाते हो? तो यहाँ पे आप यस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो. ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप बर्ड्स को खाना खिलाते हो मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले, सो राइट डाउन यस. अगर नहीं खिलाते हो सो राइट डाउन नो. ओके, सेम वे, हेल्प टू मिल्क अ काउ, कि आप दूध दोने में हेल्प करते हो अपनी मम्मा को? तो राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो. ओके, नाउ लेट्स मूव अगेन. सो हियर दिस इज द in this page you will see fill in the blanks with before or after. Before means pehle and after means baad mein, right? So before eating food I wash my hands, yani ki khana khane se pehle aap apne haath dhote ho, right? To yahan before aayega. Dash reaching school I sit in class, yani ki after reaching school, school pahunchne ke baad main class mein baithta hu, right? After eating food, I wash my mouth. खाना खाने के बाद मैं मेरा मुंह धोता हूँ, right? After reaching home, I do my homework. स्कूल से घर जाने के बाद मैं मेरा होमवर्क करता हूँ. Okay?
Now here one song is given to you, so let's sing. Ding dong, ding dong, all the bells are ringing. Ding dong, ding dong, it's a holiday. Ding dong, ding dong, all the bells are singing. Ding dong, ding dong, let's go out and play. So recite this poem. Okay, now let's move to our last page, and it is fun time, maza aane wala hai. What is the sound of your school bell? आपकी जो school में जो bell है, यानी जो घंटी है, वो किस तरह से बजती है? तो भाई हमारे school में तो जो घंटी है, जो bell है, वो किस तरह से बजती है? Ten 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 ten, right? तो आपके यहाँ किस तरह से बजती है, वो आपको यहाँ पे बताना है. Now next is, can you make sounds of different bells that you have heard? क्या आपने जो अलग अलग जो bells बजती हैं, जो sounds वो करती हैं, उसका आप sound बता सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको एक बता दिया टन 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 टन, फिर अगर इलेक्ट्रिकल बेल है तो ट्र करके आवाज़ आती है. सो दे आर डिफरेंट बेल्स जिसकी अलग अलग साउंड आती है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड्स. जैसे कि अभी हमने बात करी, ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ अ फोन बेल. फ़ोन की जो बेल है वो किस तरह से सुनाई देती है, डोर की बेल किस तरह से सुनाई देती है, एंड काऊ की बेल, यानी काऊ के गले में जो घंटी बंधी होती है ना, उसकी बेल किस तरह से सुनाई देती है. सेम वे हॉर्स की जो बेल होती है वो कैसे सुनाई देती है, और बस की जो बेल कैसे होती है वो कैसे सुनाई देती है. सो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है, राइट. एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स. आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, राइट. इनके जो जिस लेटर से ये वर्ड शुरू होता है, सो यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड. लाइक दिस इज ग्रेप्स, सो जी फॉर ग्रेप्स, ओके. I for igloo, R for rabbit, A for apple, F for frog, F for fish, and last is E for envelope. Okay, so ये हमारी एक पूरी एक स्पेलिंग बन रही है किसकी, जिराफ की. What have you spelled? Giraffe. G-I-R-A-F-F-E, giraffe. Okay, so here we have completed the exercise of this chapter. So I hope आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.